है। पिछला वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 4 तक बताया था, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको प्रश्न संख्या 5 बताने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 क्या बोलता है? 5 यदि sec 4a equal to cosec a minus 20 degree, जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न ना पिछला वीडियो में जो प्रश्न संख्या 3 किए थे उसके अनुसार है, तो मैं उम्मीद करूं ये आराम से आप बना लीजिएगा। यदि आप बना लिए हैं अपने से तो बहुत अच्छी बात। तो आप एक बार देखिए मैं कैसे इसको हल करके बताता हूं और आप भी इसको फॉलो कीजिएगा। तो क्या है दिया हुआ है कि एकदम पिछला वीडियो जैसा ही, पिछला मैथ जैसा ही बताएंगे। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि sec 4a equal to cosec a minus 20 degree लिख दिया, इसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। लेकिन क्या दिया हुआ है, क्या जानते हैं हम लोग, sec theta मतलब sec 4a, आपको पता है, क्या पता है आपको कि sec theta बराबर क्या पढ़े हम लोग, sec theta बराबर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है ना। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, sec थीटा बराबर क्या होगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का रोल कौन अदा करेगा यहां पर, 4a, हमने क्या लिख दिया यहां पर 4a, ये समीकरण नंबर हम लोग क्या हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 से पिछला वीडियो से लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिए यहां पर ना sec 4a और यहां पर भी sec 4a है, मतलब बायां पक्ष में बायां पक्ष बराबर, तो आप जान रहे हैं बायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए आप यहां क्या लिखिएगा cosec a minus 20 डिग्री इक्वल टू, इधर देखिए नीचे cosec 90 डिग्री माइनस 4a, क्या है cosec 90 डिग्री माइनस 4a, cosec 90 डिग्री माइनस 4a। तो आप क्या करें cosec cosec को कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या a माइनस 20, इधर क्या बचा 90 माइनस 4a। अब एक कैटेगरी का एक साइड a को इधर a माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा क्या होगा प्लस, तो क्या हो गया प्लस 4a, थोड़ा ठीक से लिख देता हूं मैं इसे, प्लस 4a इक्वल टू 90 तो है ही, a माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 20 डिग्री। अब 4a और 1a कितना हो गया 5a इक्वल टू क्या होगा 90 में 20 आप ऐड करते हैं तो 110 मतलब 110 हो रहा है। तो आप यहां डायरेक्ट काटिए या तो a बराबर आप डायरेक्ट काट देते हैं सबसे अच्छा, कि क्या होगा 5 × 5 = 10 × 10, क्योंकि आप देख रहे हैं ना 5 × 10 की 1 बचा 1 और 0 10 हो गया, तो 5 × 10 इसलिए a बराबर आपका कितना हो गया 22 डिग्री हो गया, यही आपका आंसर है। तो ये गणित कठिन नहीं है, पिछला वीडियो के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार यह है, तो आप इसको बना लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो क्या बोलते हैं गणित नहीं सीख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह क्या कहता है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन इनटू बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2, मतलब इतना और इतना आपको क्या करके लाना है, हल करके लाना है। बस यहां पर एक चीज आप फोकस कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण है, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं आपको पता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है एक्स और सी होता है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे और पकड़ेंगे इसको त्रिभुज को, क्या करेंगे त्रिभुज क्या ए बी सी में क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो क्या करेंगे कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाए 180 डिग्री, मतलब तीनों कोणों का योगफल क्या है, कोण a b और c के अंतर कोण है, मतलब a b c a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री।
अब क्या कीजिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ दो से भाग देने पर, भाग देने पर अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ दो से भाग देने, कैसे देखिए, a प्लस बी प्लस सी बाय टू भाग दे दिया मैं, बराबर 180 है, इसको भी हम लोग दो से, दोनों तरफ भाग दे दिए दो से। अब इसको काटेंगे तो दो नंबर कितना हो गया, 18, 0 आ गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 19 आना है ना, तो 19 नहीं लाना है, a बाय टू लाना है, तो 19 हमारा आ गया। तो क्या करें, देखिए यहाँ पर अब इसका मतलब क्या है, a के बटे भी, b के बटे भी, और क्या हो जाएगा, c के बटे भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a बाय टू लिख सकते हैं आप इसको, b बाय टू भी लिख सकते हैं आप यहाँ, प्लस c बाय टू भी आप यहाँ लिख सकते हैं। a बाय टू प्लस b बाय टू प्लस c बाय टू इक्वल टू कितना, 90 बाय टू हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर ना आप ध्यान दीजिए, आपको क्या चाहिए, ये दाहिना तरफ है ना, तो ए को आप उधर ले जाइए, तो आपको बचेगा क्या है ना, बी प्लस बी बाय टू प्लस सी बाय टू इक्वल टू 90 बाय टू, क्या हो गया, 90 बाय टू, सॉरी 90 बाय टू नहीं होगा, यहाँ मेरी गलती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो नंबर 18 काट दिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 90 बचेगा, यहाँ पर 90 बाय टू नहीं होगा, दो नंबर 18 और ये जीरो का जीरो आ गया, फिर इसलिए यहाँ पर क्या मिल गया, 90। लेकिन यहाँ पर a प्लस a बाय टू है ना, a बाय टू उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, क्या a बाय क्या हो गया, 2 आ गया। फिर आप क्या कीजिए, इसको ना ये दो और दो का एलसीएम कर दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और ऊपर वाला तो जुड़ जाता है, आपको पता ही है क्योंकि हर बराबर है, बराबर क्या हो गया, 90 माइनस a बाय टू। तो यहाँ पर आप कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसा a बाय टू मिल रहा है, लेकिन 90 है, साइन चाहिए और कोस चाहिए, तो क्या करें कि दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करें हम लोग, दोनों तरफ साइन से, दोनों तरफ साइन से क्या करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर, साइन से गुना करने पर हम लोग क्या कर देंगे, ध्यान रखिए आप, यहां पर साइन क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाय टू बराबर, यहां भी साइन लिख देंगे, साइन क्या हो जाएगा आपका, 90 माइनस ए बाय क्या आ गया, 2, आपको दिख रहा है ना, साइन बी प्लस सी बाय टू जो लाना था, इधर का तो मिल गया, इधर चाहिए, तो क्या करेंगे अगला, साइन बी प्लस सी बाय टू बराबर, आप पढ़े ना फॉर्मूला में, साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, क्या पढ़े हैं आप, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कोस, क्या सॉरी आप पढ़े हैं क्या, कोस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आप पढ़े हैं ना, कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देख रहे हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या मिल रहा है आपको, a बाय टू, तो इसी फॉर्म में इसको क्या कर दीजिएगा, ले आइएगा, ये दिया हुआ है तो यह आएगा, तो उसी फॉर्म में लाते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस का कोस लिख देंगे, अब a बाय टू थीटा के स्थान पर क्या है, a बाय टू। तो आप देख रहे होंगे कि साइन b प्लस c बाय टू, साइन b प्लस c बाय टू आ गया, फिर क्या चाहिए था, कोस a बाय टू, कोस a बाय टू आ गया। तो ये फॉर्मूला के आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर आपका आ गया, तो दिखाइए कि बोला था ना, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, रूट लिख दीजिए दीजिए या आंसर लिख दीजिए, चलेगा आपका। तो इस तरह से क्या होता है, प्रश्नावली 8.3 का 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। ये कठिन नहीं है, घबराइएगा नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा, तो मेरा वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आप गणित सीख सकें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब या एक लाइक से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए आपका भलाई के साथ साथ मेरा भी भलाई के लिए थोड़ा सा क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और मन लगा के पढ़ा सकूँ आपको और नया वीडियो आपके पास भेज सकूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7, जो इस प्रश्नावली 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो
इस प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पिछला प्रश्न में मैं आप देख रहे होंगे कि नीचे थोड़ा सा वीडियो कटा हुआ है, उसमें क्या कीजिएगा कि a by 2 plus b by 2 plus c by 2 है, इसलिए घबराइएगा नहीं, a by 2 plus b by 2 plus c by 2 है बराबर क्या है 180 by 2 है। तो ये इस तरह से मैं लिख दिया हूं, तो दोनों के नीचे ना नहीं दिख रहा है तो 222 है, इसको सुधार लीजिएगा, और बड़ी बात नहीं, मैं बोला हूं उसके आधार पर भी आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 7। क्या बोलता है कि sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब इसको हल करना है और किसके बीच में इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आना चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए आते हैं, ये आपको मजा आएगा और ये आसान प्रश्न है, लेकिन देखिए कोई भी चीज पढ़ने से आसान होता है और नहीं पढ़ने से आसान नहीं होता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट बोला जाता है, इसीलिए कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको क्या होगा, अच्छा होगा। तो ध्यान रखिए, आप मेरे पास प्रश्न क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसी को लिखेंगे क्या, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, आप चाहते तो दिया हुआ है लिख सकते थे, तो ये साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री दिया हुआ है, लिख दीजिएगा तो भी अच्छा है। अब क्या कीजिएगा आप यहाँ पर कि sin 67 डिग्री मतलब sin थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का स्थान में क्या है 67 डिग्री रख दिए, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो गया 75 डिग्री। अब फिर जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 67, तो cos में क्या करो आप कि 90 में 67 क्या कर दो माइनस कर दो cos, देखिए आप इधर कि आप 90 में क्या कर दीजिए 67 माइनस कर दीजिए, 67 आप माइनस कर दिए तो आपके पास 10 आया, 10 में 7 क्या 3, यहां पर कितना है 8, 8 में से 6 घटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो 23 डिग्री हो जाएगा ना, देखिए फिर से 10 में से 7 घटाया क्या मिला आपको 3, यहां पर 8 में से 6 घटा दिए क्या मिल गया आपको 2, तो यहां पर क्या हो गया 23 डिग्री। आप फिर देखिए फिर प्लस का प्लस आप साइन का साइन आप यहाँ पर लिख दीजिए, उसका 90 में 75 घटा दीजिए 90 में क्या 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 घटाए तो कितना मिला 5, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, कितना डिग्री 15 डिग्री। तो आपको क्या प्रश्न था कि ये जो विभवन है जो सवाल दिया हुआ है इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में लाना था, तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ 67 था 75 था, तो जब इसको हल किया फार्मूला के आधार पर sin थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज किए, यहां पर cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज किए, तो क्या किया इसको फाइनल इसको हम लोग 90 में 67 माइनस कर दिए तो 23 मिला और sin 90 डिग्री में 75 घटा दिए तो 15 मिला डिग्री मिला। तो ये जो 23 डिग्री और 15 डिग्री है ना वो क्या है 0 और 45 के बीच में है ना, ये 0 और 45 के बीच में है, क्यों क्योंकि ये प्रश्न बोला है ना कि 0 और 45 के बीच में लाइए, तो हमने क्या कर दिया ये sin और cos को क्या बोलते हैं 45 में 45 सॉरी 0 और 45 के बीच में ले आया, यही आंसर बन गया। चाहे तो आप इसको पहले इसको बाद में लिख दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में है, तो यहां पर आप क्या लिख दीजिएगा आंसर। इस तरह से यह अध्याय ने यह क्या बोलते हैं प्रश्नावली 8.3 समाप्त होता है, तो आप मन लगा कर पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए उम्र के साथ, जय हिंद।